ये विदुर जी यमराज के अवतार थे। एक ऐसी पूर्व लीला हुई थी, एक मांडव्य मुनि थे। तो वो मांडव्य मुनि बैठे हुए थे अपनी साधना में कि एक व्यक्ति शूल लेकर भागा चला आया, मानो उनको मारने जा रहा, उनका भेदन करने जा रहा है शूल के साथ। उसे देखकर मांडव्य मुनि चौंक गए और वो भागता चला आया, बिल्कुल निकट आ गया। लास्ट में उसका शूल उनको छू गया और उनकी छाती को खरोच लिया, लेकिन वहां पर वो रुक गया। तो मांडव्य मुनि को विशेष कुछ नहीं हुआ, किंतु डर गए अंदर से, ये मामला क्या हुआ। तो मांडव्य मुनि विचार करने लगे कि मैंने तो कभी कोई ऐसा काम किया नहीं, ऐसा अपराध जिसका ये फल हो। तो यमराज ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वे यमराज को बुलाए। अब ऐसी पर्सनालिटी थी मांडव्य कि उनके आह्वान से धर्मराज को आना पड़ा। मांडव्य ने कहा कि आपने मेरे साथ ऐसा दुराचार किया है, मैंने जीवन में कभी ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया, तो मुझे ये कष्ट क्यों मिला? यमराज ने कहा, महाराज आप जो भी मुझे सजा देना चाहें स्वीकार है। मांडव्य ने कहा कि तुम मृत्यु लोक में जाओगे और दासी के पुत्र बनोगे। तो यमराज ने कहा, महाराज संतों का श्राप भी एक कृपा का ही स्वरूप होता है। आपका श्राप मैं शिरोधार्य करता हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये क्यों हुआ। आप जब बालक थे, आपने एक भृंगी को लिया था और एक कील लेकर, तिनका लेकर भृंगी को निरर्थक कष्ट देते 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 मार दिया था। तो ठीक, वो मूक प्राणी था, लेकिन उसके अंदर भी चेतना थी, वो भी सुख दुख का अनुभव कर रहा था। आपने उसको क्यों कष्ट दिया? आप ठीक है, आप बच्चे थे, लेकिन आपने जो हिंसा की, तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फलु चाखा। वो कर्म का फल आपको मिल गया। तो इसीलिए वो यमराज विदुर के रूप में संसार में आए।